दिमाग खराब होता है। ये वाला जो येलो वाला स्कूटी है ना, क्या किस चीज का जल्दी है यार। देखो देखो अब कहाँ से जाएगा वो, उड़ के जाएगा क्या। गाड़ी चलाने का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता है तो मत चलाओ यार। और हाँ गाइस, अभी मैं पहुंच गया हूँ बैंगलोर का लोकसभा भवन। देखिए कितना बढ़िया है यार, गवर्नमेंट वर्क इज गॉड्स वर्क। देखिए गाइस चेकआउट बहुत अच्छा लगता है देखने में ऐसे। मामा कस्तो लगता है रण दाइ देख है। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला कि मैं साइड सैडल स्टे और टॉप रैक लगाने के लिए जा रहा हूँ जेसी रोड। एंड मैं थोड़ा सा लॉन्ग राइड प्लान कर रहा हूँ। वो लॉन्ग राइड कौन सा वाला जगह होने वाला है बोले तो वो वाला जगह होगा चिकमंगलूर होने वाला है। सो हेलो एंड गुड आफ्टरनून एंड नमस्ते टू एवरीवन, दिस इज़ योर ईशान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेविल ड्यूक अगेन। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैं निकल गया हूँ फिर से अपना फ्रेंड डोरेमॉम्स को लेकर। एज यू गाइस नो डोरेमॉम्स मेरा ब्रदर, जो लास्ट टाइम जो रिव्यू वाला वीडियो उन्होंने मतलब डोरेमॉम्स ने शूट किया था, तो उसे ही मैं लेकर जा रहा हूँ। कि कहाँ पे बोले तो मोटो केयर जा रहा हूँ मैं, जेसी रोड। क्यों जा रहा हूँ बोले तो मुझे सैडल स्टे और टॉप रैक लगाना है, क्योंकि मैं लॉन्ग राइड प्लान कर रहा हूँ। इसलिए अभी मैं मतलब थोड़ा 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 करके जो भी एक्सेसरीज है वो मैं मतलब लगाने का कोशिश कर रहा हूँ। शायद जो बाइक पे एक्स्ट्रा फिटिंग है तो बस वही होगा शायद, क्योंकि मैंने जितना भी क्रैश गार्ड्स वो सब तो मैंने पहले से ही लगा दिया है। एंड बाकी रहा था तो बस वही था, तो चलो उसको भी डलवा लेते हैं और उसके बाद एकदम फुल रेडी होंगे, फुल्ली लोडेड होगा अपना डेविल लॉन्ग राइड जाने के लिए भी। तो गाइज कितना यहाँ से कितना दिखाई दे रहा है, 51 मिनट्स दिखाई दे रहा है गाइस वहाँ तक पहुँचने के लिए। 17 किलोमीटर्स था, 17 किलोमीटर्स 51 मिनट्स। आप लोग मतलब ऐसे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ट्रैफिक होने वाला है रास्ता पे। तो गाइस अभी के लिए स्टे ट्यून्ड, आई विल कैच यू अप इन द वे। अरे भाई साहब जा तो रहे गाइस, कितना 25 मिनट्स अभी बाकी है पहुंचने को। दिमाग खराब होता है। ये वाला जो येलो वाला स्कूटी है ना, क्या किस चीज़ का जल्दी है यार। इतना ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा मतलब गाड़ी घुसने का बाइक घुसने का जगह नहीं है, इतना वो करके घुसाता है यार, दिमाग ख़राब करता है। गाड़ी चलाने का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता है तो मत चलाओ यार, ऐसे दिमाग खराब होता है। कौन देता है ऐसे लोगों को लाइसेंस मैन। देखो देखो अब कहाँ से जाएगा वो, उड़ के जाएगा क्या। लाहो गलत रास्ता ले लिया क्या, नहीं नहीं और हाँ गाइस अभी मैं पहुंच गया हूँ बैंगलोर का लोकसभा भवन। देखिए कितना बढ़िया है यार, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक सुपर दिखाई दे रहा है देखने में तो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, गवर्नमेंट वर्क इज गॉड्स वर्क। देखिए गाइस चेकआउट बहुत अच्छा लगता है देखने में ऐसे। मामा कस्तो लगता है रण दाइ देख है।
लेकिन ट्रैफिक देखिए इतना गंदा है लोकसभा भवन के आगे पे ऐसा गंदा ट्रैफिक है यार। ओ मैम्स, तुम्हें कैसा लगता है बोलो तो, ये ट्रैफिक पे दिमाग खराब होता है क्या? सबसे वर्स्ट पार्ट मुझे यही लगता है सच में तो, यहाँ का ट्रैफिक अभी तो इतना ट्रैफिक है, जब हम लोग लौटेंगे ना वहाँ से शायद 7, 7:30 नहीं तो 8 हो जाएगा, वो टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना, बाप रे क्या बोलूँ। उस टाइम पे ज़्यादा ट्रैफिक क्यों रहता है बोले तो, जो जितना भी जो ऑफिस हो सब तब छुट्टी हो जाता है, इतना ज़्यादा ये निकलता है ना बाइक्स और कार्स निकलता है उस टाइम पे, और भी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, अनबेरेबल ट्रैफिक, एंड ऊपर से गर्मी भी अनबेरेबल है यार। सो गाइस, जैसे कि मैंने बोला कि मैं सैडल स्टे और टॉप रैक लगाने के लिए जा रहा हूँ जेसी रोड, एंड मैं थोड़ा सा लॉन्ग राइड प्लान कर रहा हूँ। वो लॉन्ग राइड कौन सा वाला जगह होने वाला है बोले तो, वो वाला जगह होगा चिकमंगलूर होने वाला है शायद। यहाँ से कितना बेंगलोर से वो जगह पहुँचने के लिए शायद 4-5 घंटा का राइड है वो जगह जाने के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ शायद अभी नहीं भी तो 2-3 हफ्ता बाद मैं शायद पक्का ही चला जाऊँगा। सैटरडे बना के जाऊँगा, संडे को बैठ के और मंडे को मतलब वहाँ पे पूरा घूम के मतलब संडे और मंडे को पूरा घूम के शाम को मैं लौटने का कोशिश करूँगा। तो मतलब बहुत अच्छा जगह है, मेरा दोस्त लोग वहाँ पे गए थे पहले तो उन लोगों ने मुझे मतलब रिकमेंड किया है वहाँ पर जाने के लिए, अच्छा जगह है मतलब पहाड़ी एरिया है थोड़ा बोल के, तो प्लान तो कर रहा हूँ मैं, चलो देखेंगे कैसा है वहाँ पे। अभी अपने को लेना है कहाँ से लेना है, ट्रैफिक लग गया ला। होप कि लेट्स होप मैं 2 हफ्ते बाद ही जा सकूं वहाँ पे, अच्छा वाला जगह है। मैंने मतलब यूट्यूब पे वीडियोस वो सब तो देखा था वहाँ का, बहुत अच्छा लगा था देखने में, तो चलो वहाँ पर खुद ही जाके देखते हैं कैसा लगेगा। सो फिंगर क्रॉस्ड गाइस कि मैं वहाँ पे जल्दी ही जाऊँ। अभी 18 मिनट्स दिखा रहा है गाइस यहाँ से, 4.0 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाने के लिए 18 मिनट्स लगता है गाइस यहाँ पर बैंगलोर पे। ट्रैफिक क्या बोले यार, इतना गंदा ट्रैफिक होता है ना यहाँ पे, इतना गंदा ट्रैफिक। लेट्स गो। यहाँ से हमें लेना है थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट होके जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ थोड़ा आगे से हमें लेफ्ट ही लेना है पूरा, तो लेफ्ट साइड से चलते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे जो मैंने जीपीएस डाला हुआ है वहाँ पे देखिए ना, ब्लू कलर का तो एक भी जगह नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा रेड नहीं तो येल्लो दिखाई दे रहा है, तो ऐसे ही टाइम तो लगने वाला है। ट्रैफिक बोले तो इतना गंदा है। ओके गाइस, तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, पहले यहाँ से ये ट्रैफिक के सब पहले मैं पार कर लेता हूँ। तो गाइस अभी मैं पहुँच ही गया हूँ, यहाँ थोड़ा सा आगे से लेफ्ट लेकर राइट लेना है और सीधा जाना है, पहुंच जाऊंगा मैं मोटो केयर। और भाई साहब गाइस इतना ख़राब गर्मी हुआ है ना क्या बोलूं भाई साहब।
देखो गर्मी क्या बोले, गर्मी गर्मी से दिमाग खराब, हालत खराब, हालत पतला हो गया है। और ऊपर से ट्रैफिक इतना ज़्यादा, और ये स्कूटी वाले पता नहीं क्या समझता है अपने आप को यार। ये देखो, ये देखो, ये आगे पता नहीं क्या कर रहा है। चलो गाइस पहुंच ही गया हूँ मैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं पहुंच गया हूँ मोटोकेर। कैसे भैया, कहाँ पे लगाऊं गाड़ी यार, ये कैसे भैया, भैया भाई साहब मैं तो अंदर आ गया मोटो केयर का, एंड इतना ज़्यादा गर्मी है ना भाई साहब, क्या बोले क्या बोले। सो गाइस आप सबको पता हो गया है कि मैं कहाँ पे आया हूँ, जैसे कि मैंने बोला ही था कि मैं मोटो केयर पे आया हुआ हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, एंड अभी क्या करवाना है मुझे बोले तो टॉप रैकर सैडल स्टे डलवाना है। अपना गाड़ी को यहाँ पे रखा है मैंने, इस पर डलवाना है टॉप रैकर सैडल स्टे डलवाना है आज का काम आएगी। तो देख सकते हैं सलमान आना यहाँ पे बिजी है। सो गाइस जैसे कि मैंने बोला था कि अपना सामान आने वाला है, वेट कर रहा था गोडाउन से, अभी लेकर आया है सामान। यहाँ पे देख सकते हैं ये सामान, शायद ये वाला हो सकता है सैडल स्टे, ये वाला हो सकता है, एंड दिस वन कैन बी द टॉप रैक। तो अभी यहाँ पे फिटिंग करवाएगा, फिटिंग करवाने का टाइम पे जब खोलेगा अनबॉक्सिंग करेगा आप सबको दिखा देता हूँ कि अनबॉक्सिंग भी कैसा है। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, अभी शायद यहाँ पे सलमान भैया बोलेगा किसी को यहाँ पे मतलब ये काम करवाने के करने के लिए, तब मिलता हूँ गाइस आप सबको, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस मैं वेट नहीं किया कि मतलब सलमान भैया को, मैंने वेट नहीं किया, खुद ही अनबॉक्स कर रहा हूँ, देखिए कैसा है इस पर। अभी गाइस खोल के तो दिखा दिया, अभी जब यहाँ पे फिटिंग होगा तब देखते हैं गाइस। सो गाइस अपना गाड़ी पे काम शुरू हो गया है, वहाँ पे बाइक खोल रहा है, पीछे का ग्रैप रेल वो सब खोल रहा है, इसके बाद डलेगा ये ग्रैप रेल, वो सब खोलने के बाद ही डलेगा सैडल स्टे और टॉप रैक। तो गाइस अभी देखते हैं कैसा होगा काम, एंड ये सब डालने के बाद पे कैसा लगता है गाड़ी देखते हैं। आइटम देख लिया आप खोल के? हाँ मैंने कर लिया है। ये हमारा चिचा है, शुगर पेशेंट चिचा, इनको दिखाओ जो थोड़ा, शुगर पेशेंट चिचा है हमारा ये। हाँ हम जाओ जुबेर भैया, नहीं हम देखो जे तो गाइस हो गया है शुरू काम अपना। ये छोटा भाई कर रहा है अपना काम गाड़ी पे। हाँ
तो गाइस अभी क्या वेट करना है, देखना है, आप सबको दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है वो सब। अभी यहाँ पे भैया तो एकदम रेडी ही हो गया है। भैया रेडी है क्या डालने के लिए? तो गाइस देखिए दोनों ही ग्रैब रोल निकल गया है यहाँ से, खाली खाली लग रहा है ग्रैब रोल के बिना। और हाँ गाइस एक बात, जो मैंने आगे पे ये जो डलवाया है, जैसे मतलब स्टिकरिंग किया हुआ है, ये यूट्यूब का जो किया है, इंस्टाग्राम का भी मैं आज करवाने वाला हूँ यहाँ पे। तो वासिम भैया को मैंने बोल दिया था, पता नहीं वो कर रहा होगा काम, उसके बाद यहाँ पे वो जब स्टिक करेंगे तभी मिलते हैं गाइस, तभी देखते हैं। तो गाइस सैडल स्टे और टॉप रैक के लिए वो सब रेडी हो गया है, डल रहा है अभी। हो रहा है गाइस वहाँ पे काम कर रहा है भैया लोग। मैं अभी स्कूटी के ऊपर पे बैठा हुआ हूँ ब्रो। बोरिंग लग रहा है क्या? ठीक है ब्रो। हाँ अच्छा आ रहा है। अच्छा अच्छा है, मज़ा आ रहा है? नहीं मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा मैन, बोरिंग लग रहा है। जस्ट मजाक कर रहा है। सो देखिए गाइस राइट साइड का सैडल स्टे पूरा डल गया है, अभी लेफ्ट साइड का डल रहा है, भाई डाल रहा है वहाँ पे भैया और भाई मिल के। उसके बाद टॉप बॉक्स और मतलब टॉप रैक यहाँ पे डलेगा। तो गाइस अभी आप सबको सीधा जब ये पूरा डलता है तभी दिखाता हूँ, जब कंप्लीट होगा। सो गाइस टॉप रैक भी डल गया है यहाँ पे, बस अभी टाइट करना बाकी है। टाइट कर रहे हैं भैया। स्टिल काम हो रहा है यहाँ पे, जो मैंने बोला था कि ये वाला जो डलवाना था इंस्टाग्राम का जो लोगो, अभी यहाँ पे वॉशिंग भैया वॉशिंग भैया बना के डाल रहे हैं। ओके भाई, ओके डब्ल्यू के टी एम। ओके भाई हाँ, थैंक यू भैया। एंड गाइस देखिए पूरा इधर सैडल स्टे हो गया, सैडल स्टे डल गया है एंड टॉप रैक भी डल गया है। देखिए अभी बस लेना है, टॉप बॉक्स लेकर डालना है, उतना ही है बाकी, और तो जो जितना भी है सब कुछ ख़त्म हो गया गाइस। तो थोड़ी देर पे मिलते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे भैया लोग का मतलब अभी फास्टिंग खोल रहा है, तो सब लोग यहाँ पे कुछ खा के जाने के लिए बोल रहा है, तो मैं भी करते हैं गाइस। यहाँ पे देख लीजिए सब लोग, सब लोग यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं।
हमारा पेश है तमाम को गुनाह को माफ फरमा कर तमाम को पाकीज़ा अता फरमा आइंदे जिंदगी सही तरीके पर सही तरीके से गुजरने की तौफीक अता फरमा या ना नेक काम करने की तौफीक अता फरमा नेक काम करने की तौफीक अता फरमा आपस में मोहब्बत अता फरमा मैम सीन बस देखो बस देखो। तो गाइस अभी यहाँ पे बैठ के कुछ खाते हैं उसके बाद बिल करके निकल जाएंगे यहाँ से। ऐसे ही मतलब मैं जाने के लिए बोल रहा था फिर भी भैया बोल रहा है कि रुक के जाओ कुछ खा के जाओ कुछ खा के जाओ फिर भी बोल रहा है तो रुकना ही पड़ गया। सो गाइस स्टे ट्यून। तो गाइस यहाँ पे कुछ खा लिया फ्रूट्स ये सब खा लिया भैया लोग के साथ समोसा वो सब खा लिया। अभी मैं निकल रहा हूँ भैया लोग का अभी प्रेयर शुरू होने वाला है मैं निकल रहा हूँ यहाँ से क्योंकि अपना भाई को लेट हो जाएगा इसलिए। तो गाइस अभी रास्ते पे मिलते हैं गाइस स्टे ट्यून। सो गाइस यहाँ पे आके मोटो गियर पे पूरा रात ही हो गया कितना हो गया 6 नहीं 7 बजने वाला है 6:50 to 53 तो हो ही गया। मैं निकल गया वहाँ से ऐसे इधर उधर करते करते लेट तो हो ही गया क्योंकि घर से भी लेट ही निकला था। तो अभी निकल गया हूँ मैं यहाँ से। अब देखिए ट्रैफिक कितना लगता है ना अभी ट्रैफिक कितना ज़्यादा होगा अभी दिमाग ख़राब होगा अपना। जैसे ही वहाँ जेसी रोड से बाहर निकला देखिए गाइस ट्रैफिक खुल भी गया सिग्नल थैंक गॉड। अगर मैं अकेला आता तो थोड़ा लेट भी कर सकता था लेकिन अपना जो भाई है डोरेमोन प्रभाकर उसको हॉस्टल पे छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा इसलिए लेट नहीं कर सकता। मुझे तो मतलब ऐसा मैं सोच रहा था कि टॉप रैक डाल दिया उसके बाद सैडल स्टे डाल दिया मुझे एक बार मतलब टॉप बॉक्स डाल के मुझे देखना था कैसा क्या लगता है लेकिन भैया लोग का वहाँ पे फास्टिंग जो खोल रहा था तो नमाज हो रहा था भैया लोग का इसीलिए वो मैं मतलब वेट तो किया फिर भी और ज़्यादा 10 मिनट्स वेट करने के लिए बोला तो मुझे लगा कि ज़्यादा ही लेट हो जाएगा इसलिए मैं निकल गया वहाँ से। तो गाइस स्टे ट्यून्ड अभी रास्ते पे मिलते हैं गाइस। देखिए गाइस बेंगलोर का ट्रैफिक 2-3 मिनट हो गया यहाँ पे रुका हुआ अभी तक खुला ही नहीं है वैसे भी देर हो गया है अब पता नहीं कितना सिग्नल पे ऐसे वेट करके करके जाना पड़ेगा लेट पे और लेट पूरा ही लेट होगा। ओके खुल गया भाई साहब चलो चलो लेट्स गो। और हाँ गाइस एक बात मैं बोलना चाहता हूँ आप सबको जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनमें से मतलब 100 में से 20% दिखते हैं मेरा व्यू मतलब मेरा वीडियो रेगुलरली एंड 80% देख रहा है जो नया व्यूअर्स है वो सब 80% देख रहा है। एंड गाइस आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर देते प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब आपका भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए आगे भी आप लोग के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ अभी तो ज़्यादा अच्छा वीडियो नहीं बना पाया अभी तो ठीक ठाक वीडियो आप सबको मैं बना के दिखा सकता हूँ आई गेस उतना तो मैं बिलीव करता हूँ अपने आप को। पता नहीं आप सबको कैसा लगता है मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ देख के अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए वीडियो को कमेंट कर दीजिए मतलब अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट कर दीजिए अच्छा नहीं लगा तेरा वीडियो ये सब करके भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे मतलब मैं अगर आप लोग ने वैसा कमेंट किया अभी तो मैं आप सबको अप्रिशिएट ही करूँगा 100% पे 80% ना वीडियो मेरा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को लाइक भी नहीं करते कमेंट तो दूर की बात है। सो गाइज प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज अगर आप लोग ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कमेंट कर दिया मतलब क्या कैसा लगा वीडियो मेरा वीडियो अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर आप लोग मेरे मतलब मुझे कमेंट कर देंगे तो मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप सबके लिए मैं वीडियो कैसा बनाऊं। तो गाइस अभी अभी ट्रैफिक खुला है इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे अभी कहाँ जाना है हमें यहाँ से तो सीधा जाना है लेकिन हमारा साइड पे ट्रैफिक नहीं है ग्रीन लाइट ही है चलो 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 भागते हैं जल्दी जल्दी नहीं तो इधर भी लाइट लग जाएगा रेड लाइट फिर से लेट हो जाएगा। ओके गाइस स्टे ट्यून्ड आई विल कैच यू अप इन द वे।
सो गाइस अभी भी मैं तो जा ही रहा हूँ, रास्ते पे हूँ, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना, क्या करें। अभी मुझे राइड करने में फोकस करना पड़ेगा, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं करूँगा। चलो 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 चलो। हाँ क्या बोल रहा था कि मैं गाइस मैं अभी वीडियो बंद कर लूँगा, कैमरा ऑफ करके रख लूँगा, क्योंकि मुझे अभी राइड पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि डोरेमॉन को मुझे जल्दी से जल्दी लेकर जाना पड़ेगा उसका हॉस्टल पर। तो गाइस मैं आज अपना वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। पता नहीं वीडियो भी कैसा हुआ, अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे तो अभी तक तो पता नहीं है। जाके मैं चेक करूँगा, एडिटिंग करूँगा, तभी पता चलेगा कि कैसा हुआ है वीडियो। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इवन कॉमेंट भी कर दीजिए। तो गाइज आज का वीडियो यहीं तक था। सो आई विल मीट यू अप इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो टिल देन आई एम आउट गाइज, and good night to everyone.